हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक हेयर ऑयल, जो बहुत ही अच्छा हेयर ऑयल है। उसको मैं एक साल से यूज़ कर रही हूँ और वो एक आयुर्वेदिक हेयर ऑयल है। वो मोस्टली केरला में पाया जाता है। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ ये जड़ी बूटियों से भरा हेयर ऑयल। तो देखिए, इस पे लिख के है केरला आयुर्वेदा। ये बनता है केरला में और इसमें ये सारी जड़ी बूटियां हैं। सब 11 टाइप्स की जड़ी बूटियां इसमें भर के हैं। और इसमें हमको अपना नारियल तेल डालना होता है और अपने उसके बाद एक हफ्ते बाद अपने बालों में लगाना होता है। तो इसमें कौन कौन सी जड़ी बूटियां हैं वो सब यहाँ पे लिख के है। देखिए, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सच में एक ये हेयर ऑयल मतलब बालों की 10 प्रॉब्लम की एक ही सॉल्यूशन है। डैंड्रफ कम करेगा, आपके बाल स्प्लिट एंड्स है उसको रोकेगा, बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो नहीं होंगे, सच में बाल सफ़ेद होना रुक जाएंगे, स्काल्प में इचिंग होती है उसको कम करेगा, अगर आपके हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा है तो हेयर ग्रोथ अच्छा होगा इसको लगाने से, और अगर आपके बाल पतले हैं तो वो भी अच्छे खासे होंगे, हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है वो भी कम हो जाएगा। तो मैं इसको एक साल से यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मैं इतना कॉन्फिडेंट होके इसके बारे में इतना सारी चीज़ें बता रही हूँ। और सबसे अच्छी बात कि ये ओरिजिनल हर्ब्स है, ये सारी जो है ओरिजिनल हर्ब्स है। कुछ चीज़ें इसमें हमको मालूम है जो बालों में लगाने से हमारा हमारे बाल अच्छे होते हैं, जिसमें मेथी हो गया, काला तुलसी हो गया, रत्न ज्योत, नीलगिरी, आंवला, ब्राह्मी, और इसमें कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमें नहीं मालूम है कि कहाँ मिलती हैं, क्या होती हैं। हाँ, लाल चंदन है इसमें, जिसकी वजह से इसका रेड कलर आता है, ऑयल का रेड कलर आता है, पर ये रेड होता नहीं, मतलब ये देखने में जब बॉटल खाली रहता है तो नॉर्मल कलर का रहता है, बस उसमें तेल डालेंगे आप नारियल का तो वो रेड कलर हो जाता है इसकी कलर की वजह से। तो मैं आपको बता दूं कि मैं इसको जब से यूज़ कर रही हूँ, मेरे हेयर फॉल तो कम हो गए हैं, मेरे बाल पहले से भी लंबे थे पर अभी भी वैसे ही लंबे हैं, ग्रोथ अच्छी होती है, पर 6-7 महीने होने के बाद अभी मुझे फर्क समझ में आ रहा है कि देखिए, मेरे जो ये सामने के बाल है ना यहाँ पे, और ऐसे बाल करने पे जो छोटे छोटे सामने से ये सारे बाल मैंने कट नहीं किए हैं, ये सारे बाल ग्रोथ हुए हैं, बाल आए हैं, मतलब बाल घने हो रहे हैं मेरे। तो अभी मैं तो पूरा लगा चुकी हूँ, बहुत थोड़ा सा ऑयल है, तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि एक कैसा ऑयल देखने में लगता है। और ये कहाँ मिलेगा आपको, मैंने इसको हैदराबाद में मैं रहती हूँ तो मैं इसको चिरकुर बालाजी मंदिर से लेके आई थी। मुझे सिर्फ 150 रुपीज़ में ये पड़ी थी बॉटल, पर अभी ये फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है, आप वहाँ से भी मंगा सकते हैं। लगाने के लिए यूज़ करेंगे, निकालेंगे तो इसका कलर कुछ ऐसा रेड कलर का। तो मुझे इसके बारे में मालूम पड़ा मेरे दोस्तों से, मेरे फ्रेंड्स थे कुछ केरला के, जो उनके बाल बहुत अच्छे होते हैं, बहुत लंबे काले मोटे होते हैं, तो वो लोग ये ऑयल यूज़ करते थे, मैंने उनको देखा था। तो जब मैं मंदिर गई तो मुझे ये मिला, वहाँ पे दिखा तो मैंने ले लिया और मैंने ट्राई किया, सच में ये बहुत अच्छा है। अभी तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो आपको इजीली मिल जाएगा, कहीं भी मिल जाएगा, हाँ थोड़ा कॉस्टली है ऑनलाइन में। तो अब मैं बता देती हूँ आपको इसको लगाना कैसे है और इसको फील कैसे करना है, वो मैं लास्ट में आपको फील करके बताऊंगी, क्योंकि ये भी खाली हो गया है ना तो मैं उसको रिफिल करूंगी। एक बॉटल को आप 3 से 4 बार रिफिल करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने मेरे बाल खोल लिए हैं, उसको मैंने 2 पार्ट में कर लेती हूँ मेरे बालों को। इसको ना अपने स्काल्प में लगाना है, तो ऐसे फिंगर से टच कीजिए और इस तरह से अपने स्काल्प में लगाइए, फिर यहाँ से एक निकालिए। मैं इसको हफ्ते में 2 बार लगाती हूँ और हेड बाथ करने से 2 घंटे पहले या फिर कभी कभी ओवरनाइट लगा के भी छोड़ देती हूँ, तो आपको जैसा लगे वैसे लगा सकते हैं। सच में इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, मैं इतना कॉन्फिडेंस इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैंने इसको 1 साल से यूज़ किया और मैंने यूट्यूब पे सर्च किया, इसके बारे में कोई वीडियो नहीं है, बहुत ज़्यादा वीडियोस नहीं है,
तो इसलिए मैं इसके बारे में आपको बता रही हूँ, जिसको बहुत सारे हेयर फॉल की वगैरह की प्रॉब्लम है वो जरूर ट्राई करें इस ऑयल को। तो देखिए मैंने मेरे पूरे स्काल्प में हेयर ऑयल लगा लिया है। अब इसको थोड़ा थोड़ा से फिंगर से 5 से 10 मिनट तक मसाज कर लीजिए, जिससे आपको रिलैक्स फील होगा और आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेंगे तो हेयर फॉल कम होंगे। इसके बाद मैं मेरे बाल के लेंथ में लगा लूंगी। बाल के लेंथ में भी लगाना जरूरी है, क्योंकि बाल के थोड़े डैमेज दिखने लगते हैं, ड्राई दिखने लगते हैं, तो उसको अच्छे से नरिशमेंट देना, मॉइस्चराइज करना जरूरी है उसको। तो इस तरह से मैं मेरे पूरे बाल में लगा लूंगी। अपने बाल के ऐसे इंड्स में भी पूरे अच्छे से ऑयल लगा लिया कीजिए, क्योंकि स्प्लिट इंड्स इधर ही होते हैं और अच्छे से ऑयलिंग करने से नहीं रहते हैं ड्राई। अगर बाल आपका नीचे का ड्राई रहेगा तो स्प्लिट इंड्स आएंगे। तो मैंने मेरे बालों में ऑयल लगा लिया है और मैंने मसाज भी कर लिया है कम से कम 5 से 7 मिनट, और ज़्यादा मसाज कर सकते हैं आप, 10 मिनट्स तक भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑयल को अपने बाल में लगा के छोड़ देना है 2 घंटे या होल नाइट या आधा घंटे, और उसके बाद अपना हेयर बाथ कर लेना है। तो अभी मैं आपको इसको रिफिल करके बताऊंगी। इसमें इसमें आप सरसों का तेल डाल सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल और कोकोनट ऑयल, नारियल का तेल, दोनों तेल इसमें फिल कर सकते हैं आप। तो मेरा देखिए ख़त्म हो गया है, बहुत थोड़ा सा बचा है, तो मैं अभी इसको फिल करने वाली हूँ कोकोनट ऑयल से। ये है मेरा प्योर कोकोनट ऑयल, मैं इसको डालूंगी इसके इसके अंदर। तो इसमें ऑयल डाल के ना आपको कम से कम 6 से 7 दिन तक छोड़ देना है इसको, और उसके बाद आप इसको यूज कर सकते हैं। हफ्ते में 2 बार यूज कीजिए। ये फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है, उसका मैं लिंक आपको दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। इसमें और एक चीज मैं जो ऐड करती हूँ वो है ये डाबर का कैस्टर ऑयल। तो कैस्टर ऑयल भी बहुत फायदेमंद है हमारे हेयर के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए। तो मैं कैस्टर ऑयल स्किन और हेयर दोनों के लिए यूज करती हूँ, मैं फेस के लिए, आईब्रोज के लिए, सबके लिए यूज करती हूँ। उसका मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, अगर आपको जानना है कि कहाँ कहाँ और अप्लाई कर सकते हैं हम कैस्टर ऑयल को। तो मैं इसमें ना थोड़ा सा कैस्टर ऑयल डालूंगी 2 टेबल स्पून के हिसाब से। ये थोड़ा थिक होता है, तो इसको आप अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो आप बालों में लगाने में प्रॉब्लम होगी। तो मैं इसको भी इसी के अंदर मिला देती हूँ। ये सारी चीज़ें मिलके सच में एक बहुत अच्छा ऑयल बन जाता है हमारे हेयर के लिए, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। मैं इसको कम से कम 1 हफ्ते तक इसको ऐसे ही रख दूंगी। देखिए ये रिफिल हो, यहाँ तक ऑयल फिल हो गया है। अब मैं इसको कैसे मिला दूंगी थोड़ा सा, और अब इसको रख दूंगी। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ऐसे ही आयुर्वेदिक या और अच्छी अमेजिंग वीडियो पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए।